क्लास पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर लॉज की और कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कंज्यूमर के लिए जो लॉज बने गए हैं उनको कैसे परसू कर सकते हैं और जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, कॉन्टेंट्स में कंज्यूमर है, फूड लॉज है और कंज्यूमर राइट्स है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस लेक्चर का, ताकि हमें अपने लॉज के बारे में पता चले और हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हम लोग किसी भी जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे परसू कर सकते हैं। ठीक है,
कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है पर्सन और एंटिटी. एंटिटी किसको बोलते हैं? हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को बोलते हैं, ठीक है. एक कंज्यूमर कौन होता है? जो कि कोई भी जो चीज है वो परचेज करता है, ठीक है, या सर्विसेज जो है लेता है, ठीक है. अब जैसे अगर आप मार्केट जाते हो, ग्रोसरी स्टोर जाते हो, तो आप वहां से क्या करते हो? आप वहां से ग्रोसरी को परचेज करते हो, वहां से प्रोडक्ट्स लेते हो. बट अगर आप सैलून वगैरह जाते हो तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको जो सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, लेट सपोज अगर आप हेयर कट के लिए गए हो या आप मेकअप वगैरह के लिए गए हो, तो वो आपके पास सर्विसेज हैं, ठीक है. दोनों क्या है? दोनों ऑर्गेनाइजेशन है उनके, बट उनका जो, और आप कंज्यूमर है, बट द फैसिलिटीज जो आपको मिली वो डिफरेंट है. कहीं से आपको प्रोडक्ट मिलेगा और कहीं से आपको सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है. पर्पस क्या है हमारे पास कंज्यूमर लॉज का? कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए हमने कंज्यूमर लॉज बनाए हुए होते हैं कि अगर लेट सपोज कंज्यूमर के साथ कोई ज्यादती होती है या उनको कोई खराब चीज मिलती है, कोई अच्छा प्रोडक्ट या कुछ गलत सर्विसेज अगर उनको मिलती है, तो उसके खिलाफ वो उनको सू कर सके और अपने राइट को अचीव कर सके, ठीक है. कंज्यूमर राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान CRCP जो है हमारे पास, मेनली मैंने इसकी वेबसाइट आप लोगों को डाली भी होती है LMS पे. इसके ऊपर आपको, अगर आपका कोई भी टॉपिक है रिलेटेड राइट्स ऑफ कंज्यूमर या प्रोडक्ट रिलेटेड, तो इसके ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है. कंज्यूमर राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान CRCP इस्टेब्लिश इन 1998, ठीक है. 1998 में ये इस्टेब्लिश हुई थी हमारे पास. एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट है, मतलब इसकी इसके काम करने से किसी को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता. इसके अंदर पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स का या गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ठीक है. ये आपके पास लाइक इट्स अ काइंड ऑफ NGO, ठीक है, विच इज नॉट सपोर्टेड बाई एनी इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर, ठीक है. इसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता. CRCP is the first comprehensive consumer right protection body in Pakistan approaching the issue in holistic term. ठीक है, holistic term में ये आपकी जो issues है उनको follow कर रही है. पाकिस्तान की पहली organization है. 1998 से पहले इस तरह की कोई भी organization नहीं थी, ना ही बहुत सारे customer को अपने rules and rights और laws का पता था, ठीक है. इनका mission statement क्या है कि जो भी कंज्यूमर है उनका क्या करें, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, उनके राइट्स को सेव किया जाए, और जितने भी उनके राइट्स है, चाहे वो सोशल इकोनॉमिकल राइट्स है कंज्यूमर के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए जा सके बाय एनी मीन्स. अगर लेट्स सपोज उनको कोई मनी लॉस हुआ है, या फिर उनका कोई प्रोडक्ट लॉस हुआ है, या उनके साथ किसी किस्म की कोई बैड एडवर्टाइजमेंट की गई हो या फिर प्रॉफिटियरिंग की गई हो, ठीक है, इस तरह का कोई भी, या हॉर्डिंग हुई हो, ठीक है, उसके बारे में जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में कंसल्ट होते हैं. यहाँ पे डिफरेंट कंसल्टेंट होते हैं जो कि अपने कंज्यूमर को कंसल्ट करते हैं, बट आपके पास भी कुछ प्रूफ वगैरह होना चाहिए. लेट सपोज अगर आपने किसी को प्रसू करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ग्रोसरी शॉप को, तो एटलीस्ट आपके पास वो परचेजिंग जो चिट होती है आपके पास वो होनी चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई आपके पास सबूत होना चाहिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एग्जिस्ट इज फेडरल एंड प्रोविजनल लेवल इन पाकिस्तान, ठीक है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जब बनाए गए थे तो वो हमारे पास कहाँ है, फेडरल लेवल पे बनाए गए थे, और अब प्रोविजनल लेवल पे भी हर सूबे के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है. CPL रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट, ठीक है. अब CPL को क्या चाहिए था? CPL को एक और प्रोटेक्शन काउंसिल चाहिए था, ठीक है. आप एकदम से ऑर्गेनाइजेशन में जाके कोई भी चीज क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले काउंसिल चाहिए होते हैं. पहले आप काउंसिल से कंसल्ट करते हो, उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ी कोई घपला वगैरह हुआ होता है, तब आपके पास कमीशन में बात जाती है, तब आपके पास बड़े लेवल पे बात जाएगी. ग्राउंड लेवल पे आपको काउंसिल्स की जरूरत होती है, ठीक है. अच्छा, डू यू नो अबाउट योर राइट्स, ठीक है. बहुत सारे लोगों को भी अपने राइट्स का नहीं पता होगा, ठीक है. UN के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बनी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की 1985 में, ठीक है. तो उसमें बेसिक 8 राइट्स हैं, वो हर कंज्यूमर के वो राइट्स हैं. वो राइट्स कौन से हैं, ठीक है. कंज्यूमर राइट्स नंबर 1 है राइट्स टू बेसिक नीड्स. आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन वगैरह देने की जो आपकी बेसिक नीड है वो पूरी करनी चाहिए, ठीक है. राइट टू सेफ्टी, आपका राइट है कि आपको जो प्रोडक्ट वगैरह मिलती है वो सेफ होनी चाहिए, ठीक है. आप उसके बारे में पूछ भी सकते हो, आपको पूछने का भी हक है, ठीक है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट व्हाट, प्राइस के बारे में, या फिर अगर उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह है, ठीक है. लेट्स सपोज अगर आप कुछ परचेज करने गए हैं और उसकी एक्सपायरी करीब है, आपका ध्यान नहीं है, या उसके अंदर कुछ टेयरिंग वगैरह हुई है, तो ये वो जो प्रोडक्ट मैनेजर है या व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है, उसका काम है कि वो आपको इन्फॉर्म करे.
आपका राइट है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है? अगर आप घर ले जाए और वापस करें तो इसके चीज के ऊपर आपको वो आपको ब्लेम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपका राइट था कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है? राइट टू चूज, आपकी मर्जी, आपने जो खरीदना है, ठीक है? आप इस स्तर पे खड़े होके ऑर्गेनाइजेशन वाला आपको कोई चीज नहीं बेच सकता, ठीक है? राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन एंड टू बी हर्ड, ठीक है? अगर आपने एक दफा चीज ले ली है और अगर आप उसने वापस करनी है, आप उसको वापस करना चाहते हैं, ठीक है? उसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. मतलब उसका ये होता है कि अगर आपने वापस करनी है वो चीज, तो किस बेस पे करनी है, क्यों करनी है, ठीक है? वो आपको पता है. चलिए, राइट टू रीएड्रेस का भी यही मतलब है, दैट टू नो अबाउट अ थिंग और आफ्टर नोइंग यू कैन आस्क द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? आपका ये राइट है कि आप उनसे पूछताछ कर सकते हो, ठीक है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आपका राइट है कि आपको कंज्यूमर एजुकेशन दी जाए, ठीक है? इसके लिए डिफरेंट हमारे, हाँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में कंज्यूमर एजुकेशन की वर्कशॉप होती हैं, क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट सर्टन थिंग. राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है? आपका राइट है कि जो भी चीज़ें आप परचेज कर रहे हो या जो खा रहे हो, लेट सपोज अगर कोई फूड ऑर्गेनाइजेशन है या कोई होटल वगैरह है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए. आपका राइट है कि आपको साफ सुथरा इन्वायरमेंट दिया जाए, और अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चन करें तो आपको कुछ समझा जाए और आपको उसका आंसर दिया जाए. सो दीज वाइल बेसिक 8 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर. कंज्यूमर कोड्स हैव ओनली बीन एस्टैब्लिश्ड इन 17 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? 17 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पंजाब के 17 डिस्ट्रिक्ट है, और 17 डिस्ट्रिक्ट केपीके के हैं जिसके अंदर आपके पास कंज्यूमर कोड्स बनाए गए हैं, ठीक है? तो फेडरल लेवल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज डील्स विद द कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ठीक है? लाइक फेडरल लेवल जो है इस्लामाबाद पिंडी में क्या होता है, वहाँ पे सेशनल जज जो होता है या सेशन जज जो होता है वो आपकी कंप्लेंट्स लेता है और उनको फिर परस्यू करता है. फिर वो अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, जैसे अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को सू कर देती है एचओएस वगैरह पे, तो आप सेशन जज के पास जाते हो, ठीक है? अगर आप फेडरल में हो, अगर आप किसी प्रोविंस में या उसके डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होती है जो वही आपको फैसिलिटेट करेगी, ठीक है? टू होम अ कंप्लेंट मे बी मेड, ठीक है? अब क्वेश्चन है कि आप किसको कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है? कंप्लेंट्स मे बी मेड बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है? कंज्यूमर कोर्ट में कौन होता है, अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होता है जिसके पास आप अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हो और वो अपनी कंप्लेंट्स को सुनता है, फिर उसके ऊपर वो वर्किंग स्टार्ट करता है, ठीक है? What needs for a complaint? ठीक है, आप कंप्लेन के लिए आपको क्या चीजें और कौन से प्रूफ चाहिए होते हैं जो कंज्यूमर को चाहिए होते हैं, ठीक है? आपके पास रसीद होनी चाहिए, ठीक है? जो चीज आपने खरीदी है उसका वारंटी कार्ड होना चाहिए या एनी अदर प्रूफ होते हैं, जैसे वाउचर हो गया या फिर आपके पास जो बिल होता है, ये आपके पास होना चाहिए टू सू और टू कंप्लेन, ठीक है? द कंज्यूमर शुड रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स इन द कंज्यूमर कोर्ट और बिफोर अथॉरिटी, ठीक है? कंप्लेन कहाँ लेके जानी है, कंज्यूमर कोर्ट या जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसके पास आपने जाना होता है, ठीक है? व्हाट आर द थिंग्स कंज्यूमर शुड ऑब्जर्व टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, ठीक है? कौन सी चीजें हैं जिनको आप वाइल परचेजिंग देख सकते हैं और अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? चेक द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर परचेज, ठीक है? ये आपका काम है, अभी आपने चेक करना है, ठीक है? इंग्रीडियंट्स रीड करें, उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट देखें, इंस्ट्रक्शंस देखें और उसकी सर्विस देखें, ठीक है? इंसिस्ट अबाउट रेट लिस्ट प्राइस कैटलॉग प्रोडक्ट, ठीक है? आपने लेट सपोज अगर ओपन मार्केट है, अब जैसे ग्रोसरी शॉप्स है उसके ऊपर तो स्टिकर लगा होता है, आपको पता होता है कितने बट लगा ग्रोसरी शॉप्स आउटलेट है, बुचर आउटलेट है, लेट सपोज ये सब्जी की दुकान है, उनसे आपने क्या करना है, उनको आपने करना है कि आपको रेट लिस्ट या जो कैटलॉग होता है गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो आपको शो करे, ठीक है? ये लेट सपोज कभी कभार ऐसे होता है हमको चीज डिलीवर करवाते हैं, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं स्पेशली कपड़े, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लिए होते हैं, उस केस में आप उनसे कैटलॉग मांग सकते हो. वैसे अगर आप बाहर किसी दुकान में खड़े हैं तो आप उनसे रेट लिस्ट या जैसे हम उर्दू में नरखनामा बोलते हैं, तो इट्स योर राइट, आप उनसे मांगिए और वही प्राइस पे करें जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है? Always get a receipt of product, service, purchase है, ठीक है? कभी भी आपने जो बिल होता है या जो रसीद होती है वो नहीं छोड़नी होती, ठीक है? आप चाहे 2 रुपए की चीज खरीदें पर आपके पास आपका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है? सो इसके लिए आपने रसीद हमेशा लेनी है आपने. Ask about return and refund policy, ठीक है? अगर कोई बड़ी चीज खरीद लें तो रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी आपने उनसे पूछनी है, ठीक है? चेक डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आपने देखना होता है अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए, ठीक है?
वार्निंग्स और प्रोडक्ट सेफ्टी आप देख लेंगे, ठीक है, फ्रेजाइल है, पॉइजनस है, ये चीजें आप लोगों ने देखनी होती, ठीक है। पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, ठीक है, एक्ट नंबर 2 था, 2005 में पास हुआ था हमारे पास। उसमें क्या था कि रसीद शुड बी इशू टू द परचेजर, ठीक है, जो भी कंज्यूमर है उसे रसीद आपने इशू करनी है, ठीक है, अंटिल अनलेस, अगर बहुत ही रेयर केस और आपकी जो रसीद की मशीन है वो खराब है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है, जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड आपने करनी है, इंफॉर्मेशन आपने अपने कंज्यूमर को सारी देनी है, ठीक है। प्राइस शुड बी एग्जिबिट एट बिजनेस प्लेस, ठीक है, बिजनेस प्लेस मतलब जो शेल्फ्स हैं, जो रैक्स हैं, जो भी है उसके ऊपर आपने प्राइस को मेंशन करना है, ठीक है। जस्टिस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन लिमिटेड शॉर्ट टाइम पीरियड टू जनरल मासेस, ठीक है, मतलब इसके लिए आपको अगर आपने किसी को सू करना है तो आपको इसके लिए किसी किस्म की फी वगैरह नहीं देनी, ठीक है, फॉर रिजॉल्विंग देयर ग्रीवेंस अगेंस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड फैकल्टी सर्विसेज, ठीक है। जस्टिस अवेलेबल होना चाहिए इन कोर्ट्स एंड आल्सो इन द शॉप वेयर यू आर परचेजिंग थिंग, ठीक है, अगर आपने घंटे डेढ़ बाद वापस करनी है तो उनका बनता है कि वो आपसे वो चीजें वापस लें, ठीक है। हेडक्वार्टर के हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्शन का डायरेक्टरेट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल लाहौर सर्विसेज सर्व्स एज हेडक्वार्टर, ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है लाहौर उसका हेडक्वार्टर है आपके पास, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसा है कि हमारे कंट्री के अंदर कुछ हराम प्रोडक्ट्स जो है वो इम्पोर्ट हो रही है और वो यूज भी हो रही है और वो सेल आउट भी हो रही है, ठीक है, उनके ऊपर बैन लगाना है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। जो टायर्स है ना, टायर्स की कैंडीज अभी कल परसों भी मैंने मार्केट में देखी है, हालांकि ये हराम है, बट इट्स अ टर्की का प्रोडक्ट है, बट स्टिल ये हराम है, इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और ये अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। फिर दूसरे क्या चांसेस हैं, ये दूसरे क्या इंसिडेंसेस हैं, मतलब अगर इस तरह की कोई खराबी वगैरह किसी चीज़ के अंदर आ जाए और अगर आप रिटर्न करना चाहें तो परचे वो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन वाला है या जो आपका शॉपकीपर है या आपका रिटेलर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो चीजें आपसे ले, आप रिफंड कर सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, बी वेयर ऑफ चैरिटी स्कैम, ठीक है, जगह जगह इस तरह के चैरिटी स्कैम्स चल रहे होते हैं, उन्होंने बॉक्सेस रखे होते हैं, ये फलाने का है, ये धमकाने का है, चैरिटी चल रही है, बट आप पहले कन्फर्म करें। जैसे अब हमारे पास अगर आप देखें तो जो ईवी के होते हैं वो एक आपके पास कन्फर्म चीजें हैं, वो है वहां पे, ठीक है। तो अगर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होती है, अक्सर आपके पास सिंपल बॉक्सेस पड़े होते हैं, तो वो जो है ना वो आपके पास क्या है, वो स्कैम होते हैं आपके पास। ठीक हो गया, तो स्कैम से आपने बचना है, ठीक है। बेट एडवर्टाइजमेंट, बेट एडवर्टाइजमेंट क्या है, बेट एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बेट एडवर्टाइजमेंट में वो चीजें आती हैं जब आप मार्केट से चीजों को ब्लैक कर देते हो, ठीक है। कैसे, बेट एडवर्टाइजमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 22, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेट एडवर्टाइजमेंट में लोग जो है वो उसमें क्या करते हैं कि आपको कम मतलब मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं, कम प्राइस पे चीजें जो है ना वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। लेट्स सपोज कोक कंपनी है, मैंने उसको किया कि कोक की जो आम बॉटल है वो आजकल 50 रुपीज की मिल रही है, ठीक है। जब बहुत सारे कस्टमर उसकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट होंगे, पहले 9 या 6 दिन तो मैं वो चीज बेच दूंगी, उसके बाद जब 9 या 6 दिन गुजर जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको ब्लैक में कर दूंगी, उसको छुपा दूंगी, और फिर मैं उसका वेट कंज्यूमर, क्योंकि वो कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, फिर मैं एकदम से उसकी प्राइस ज्यादा कर दूंगी, ठीक है। अब इसकी सबसे इजी एग्जांपल ये है कि जब फर्स्ट लेयर ऑफ कोरोना आई थी तो जो 20 रुपए वाला या जो 10 रुपए वाला मास्क था, एकदम मार्केट से मास्क गायब हो गए थे, ठीक है। और फिर जब मिलते भी थे तो मतलब वो 10 रुपए की चीज 50 60 70 रुपए की मिल रही थी आपको, ठीक है, बट हम मजबूर थे, हमने वो चीजें खरीदी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको बेट एडवर्टाइजमेंट या बेट बोलते हैं, ठीक है। बेट एडवर्टाइजमेंट इज अ अनएथिकल एडवर्टाइजिंग, इज कॉमन फॉर्म ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजिंग, ठीक है, झूठ बोल के एडवर्टाइजिंग होती है। टॉकर्स व्हेन एन आइटम एडवर्टाइज सेल प्राइस बट द सेलर डज नॉट हैव सफिशिएंट स्टॉक टू लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द सेल, ठीक है। आखिरी दिन पे चीजें निकाल लेना, डिमांड बढ़ने पे चीजें निकाल लेना, ऑफन कंज्यूमर में परचेज अदर मोर एक्सपेंसिव आइटम फॉर द स्टोर इंस्टेड, ठीक है।
अच्छा ये भी एक लॉजिक है, हम कभी कभार ये होते हैं कि हम कुछ एक चीज खरीदने जाते हैं तो वो ना हो तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी चीजें खरीद के आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लेट सपोज अगर कोई कपड़े की दुकान है और उन्होंने कोई सूट लेट सपोज 2000 का था और अभी वो 1500 का बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां जाएंगे, उनको वो ड्रेस नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे, खाली तो कोई निकलता नहीं है, वो दो चार और ड्रेसेस या फिर एक दो महंगे महंगे ड्रेसेस खरीद लेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको बेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन वाले को जो है वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। एंड ऑनलाइन वेंडर और मर्चेंट विल ऑफर अ सूडो सेल, ठीक है, इधर इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और न्यूज लेटर, ठीक है। सूडो सेल का भी यही मतलब होता है, झूठ बोल के कोई कमर्शियल वगैरह चला देना, ठीक है, या फिर इस तरह से कोई सिनेरियो बना देना, ठीक है। फिर हमारे पास आता है प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द प्रॉफिटेरिंग एंड हॉर्डिंग एक्ट 1977, ठीक है। PCPPHA जो था हमारे पास, उसमें क्या था, प्रॉफिटिंग का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा पैसे कमाना, और हॉर्डिंग का मतलब होता है जखीरा अंदोजी। इसके खिलाफ एक 1977 में एक्ट बना था, वेयर इन द फेडरल गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू अ कंट्रोलर जनरल प्राइसेस ऑफ सप्लाईज, ठीक है। इसमें क्या ना क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो उस चीज को जज करती है, वो देखते हैं उस चीज को, ठीक है, वो होल्ड में रखते हैं इस चीज को। फिर पाकिस्तान पैनल कोड 1860 में एक चीज पास हुई थी हमारे पास, प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर द एक्ट्स और ऑफेंसेस चार्ज इन पाकिस्तान, ठीक है। 1860 में एक रूल बना था, और उसमें ये था कि वो जब कोई रूल ब्रेक करता है, ठीक है, या कोई कोई ऑफेंस करते हैं उसके अगेंस्ट, उसके ऊपर एक पेनल्टी लग जाती है। वो पेनल्टी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब आपको जेल भी हो सकती है, आपका जो मार्केट था वो सील भी हो सकता है, या फिर इन फॉर्म ऑफ मनी भी आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। प्रोविजनल कंज्यूमर रिलेटेड लॉस, ठीक है। पंजाब वेट्स एंड मेजर इंटरनेशनल सिस्टम एनफोर्समेंट एक्ट 1975, ठीक है। ये प्रोविजनल लेवल पे आपके ऊपर क्या होता है, एक्ट एक्ट बना था 1977 में, जिसमें आप जाके अपने राइट के लिए, या फिर अगर कोई राइट रॉन्ग डूइंग कर रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। पंजाब एसेंशियल आर्टिकल्स कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1973, द पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011, ये सारे क्या है, कंज्यूमर रिलेटेड लॉस के लिए प्रोविजनल लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है। फिर एक है हमारे पास TCEP, ठीक है। TCEP क्या है, द कंज्यूमर आई ऑफ पाकिस्तान, इनका क्या काम होता है, द कंज्यूमर आई नॉन प्रॉफिट, ये भी एक एनजीओ है आपके पास, ठीक है, नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सोशली वेलफेयर करती है कंज्यूमर के लिए, जिनके साथ कुछ रॉन्ग डूइंग्स या नाइंसाफियां होती है, ठीक है। 2005 से ये काम कर रहा है, और ये क्या करता है, कंज्यूमर राइट्स के लिए लड़ता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, मेकिंग द कंज्यूमर क्यूरियस ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस प्रिट्यूटेड इन द मार्केट प्लेस, ठीक है। इनका काम क्या होता है, अगर मार्केट में कोई भी कोई ज्यादा हो, इस तरह की ज्यादा नहीं कि आप अपने मोहल्ले की दुकान गए और वहां से कोई 10-5 रुपए की चीज महंगी मिल गई, बड़े पैमाने पे, बड़े बल्क बल्क में जो लोग चीजें खरीदते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ अगर कोई नाइंसाफी वगैरह होती है तो TCEP उनके लिए एक्शन लेती है और काम करती है, ठीक है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल के साथ इनका काम है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उनके साथ ये लोग कोलाबरेशन में काम करते हैं, ठीक है। काम इनका क्या है, इनका सिर्फ काम है प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी, ठीक है, कॉन्शियसनेस ऑफ कल्चर इन पाकिस्तान, ठीक है। ये आज का लेक्चर था बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, देखो बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं अटेंडेंस पे आती हूँ। सो रहे हैं आप लोग मुझे लगता है? नो मैम, सो तो नहीं रहे मैम। मैम क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इससे। मैम जी, बेटा मैम क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड नहीं है। एक मैंने आपसे पूछना था, ये जो न्यूट्री फैक्टर्स और डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि इनको रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए, इनको करना चाहिए या नहीं? बेटा इनको करना चाहिए, बट एक सर्टेन एज के बाद। अभी जो आपकी एज है ना, तो आपकी, आप लोग होंगे 18 या 20 है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो 21 के होंगे आप लोग, ठीक है। इस एज में आप जितना फूड से कंज्यूम कर सकते हो आपको करना चाहिए, अंटिल अनलेस आप में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आ जाए और डॉक्टर आपको बोल दे, ठीक है। डॉक्टर की परमिशन के बगैर आपने इस एज में कोई भी इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं लेने, ठीक है। आपने फूड से अपनी नीड को पूरी करना है। वंस आप
क्रॉस कर जाए 25, 27 और 30s, उसके बाद कुछ सर्टेन मल्टी वाइटमिन्स हैं, बल्कि मल्टी वाइटमिन्स भी नहीं लेने चाहिए, कुछ सर्टेन आपके पास न्यूट्रिएंट्स जैसे वाइटामिन सी हो गया, ठीक है, या कैल्शियम हो गया, उस टाइम पे आपने फिर उसको रेगुलर यूज करना है। बट अभी आपकी जो एज है ना, उसमें अगर आप जितना स्टोर कर सकते हो अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, आपके पास गोल्डन एरा होता है 11 साल से लेकर 21 साल तक, इसमें आपकी बॉडी के अंदर जितनी स्टोरेज हो जाए तो वो अच्छा है, ठीक है। डेफिशिएंसी आपको अभी भी हो सकती है, आयरन की हो सकती है, कैल्शियम की हो सकती है, उस बेसिस पे आप मल्टीविटामिंस ले सकते हो। बट विदाउट एनी रीजन, आपको पता भी नहीं है आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी और आप मल्टीविटामिंस डेली बेसिस पे ले रहे हो, तो ये अच्छा नहीं होता। इसका नुकसान सिर्फ ये है, इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है, बड़ा हो भी सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं अगर आप बिना वजह बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में के सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो, आपका आयरन भी बिल्कुल पूरा हो, और आप बिना वजह डेली बेसिस पे बैठ के ले रहे हो सप्लीमेंट्स, तो वो फिर आपको नुकसान दे सकते हैं, ठीक है। बट इन पर्टिकुलर केसेस और एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर एज मस्ट है कि आप न्यूट्रिएंट्स लें, ठीक है। और मैम सेकेंडली, ये जो आपने हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट बताया, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में बेकन और इस तरह की चीजें बहुत कॉमनली आपको मिलती हैं कुछ डिशेज में, जिनके अल्टरनेटिव्स भी नहीं है, तो ये चीज इतने ओपनली अलाउ है? क्या चीज बेटा, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई आपकी। मैम आपने कहा ना कि जिस तरह कुछ चीजें हराम है लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, तो कुछ रेस्टोरेंट्स में बेकन या इस तरह की चीजें जो नहीं खानी चाहिए वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है आपको रेस्टोरेंट में, आप जाते हैं खाने में, और अल्टरनेटिव्स भी नहीं है उनके, तो ये इतनी अलाउ है इस तरह से? अलाउड तो नहीं है, मुझे लगता है ये किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जिनका बहुत ही बेकन होता है। बेटा असल में ना इस चीज में मैंने एक दफा ये सबवे वाले और एक दफा कोई और रेस्टोरेंट था, मुझे लगता है ये जो वे बैक बर्गर जो है, बेटा बेकन जो है ना एक पर्टिकुलरली, अगर आप उसको डिक्शनरी उसका मतलब निकालो तो बेकन सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो स्वाइन या पिक का जो मीट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो खैर सिर्फ नाम लगाया होता है, पाकिस्तान में सिर्फ नेम होता है, क्योंकि जब मैंने वे बैक बर्गर्स में पूछे तो उन्होंने आगे से कहा था नहीं नहीं मैडम इस तरह तो नहीं है, हलाल है, फलाना है, ढिमकाना है, तो फिर ये सिर्फ इन्होंने नाम रखा होता है। बट इस नाम रखने के ऊपर भी आपके पास जो है ना वो केस आप आराम से उनको सू कर सकते हो, ठीक है, कि आया क्यों ये चीज है। बट इसके अलावा ठीक कह रही हैं, मिलते भी हैं, ठीक है। ये जो आपके पास CTC है, CTC में बहुत इजीली जिंजर एले जो है वो अवेलेबल है, और जिंजर एले जो है वो आपके पास जिंजर की वाइन है, और वो बड़े ओपनली बुजुर्ग सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेकन वाला तो मैंने बहुत जगह सुना, इवन ये बर्गर किंग में ये लोग कहते हैं कि ये लोग हॉर्स का मीट यूज करते हैं, तो वो भी संभव मुझे तो सच ही लगता है। बट ये बेकन वाला जो है ना, ये पास्ता और इस तरह की जो क्रीमी चीजें, इन चीजों में व्हील बेकन वगैरह ये बहुत कॉमनली यूज किया जा रहा है, अब पता नहीं सिर्फ नाम है या वाकई यूज कर रहे हैं। मुझे तो जैसे लगता है नाम में, क्योंकि एक दफा ना वो मतलब वो चीज मंगवा के देखी हुई है, तो बेकन में और जो आपका अपना इधर का टर्की होती है या बीफ होता है या मटन होता है उसमें डिफरेंस होता है। बेकन को आप जितना मर्जी कुक कर लो उसमें पिंकिश शेड रह जाता होता है, ठीक है, चेक करवाने के लिए मंगवा लिया करें फिर वापस कर दिया करें। मैम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इनको लेबोरेटरी में दे दें, मतलब अगर हमने किसी का टेस्ट करना हो कि अगर हमें डाउट है तो हम पीछे से याद दे सकते हैं, जो हमारा बड़ा अच्छा इदारा है जो कि मतलब फुल सर्टिफाइड करके इनको हम पकड़ सकते हैं विद प्रूफ्स। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। यस मैम, वैसे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे पहले स्टार्ट में सिर्फ ये वे बैक में था और मैंने सबवे में देखा था, अब बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिनका बेकन के नाम से स्टेक और बर्गर्स और रैप सारे होते हैं। यस मैम एग्जैक्टली, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये चेक करना चाहिए, ये बहुत चीज कॉमन होती जा रही है, और ऊपर से बियर और वाइन तो बहुत ही ओपनली खैर अब मिल रहे हैं यहाँ पे। यस मैम खुलेआम मिल रहे हैं, इवन ये छोटे छोटे स्टोर्स हैं। मैं उस दिन मेरा ध्यान पड़े बिल्कुल रावलपिंडी में एक बिल्कुल छोटा सा स्टोर था जो गली मोहल्लों के मार्ट होते हैं, उसके अंदर बड़े आराम से बियर के कैंस पड़े हुए थे और लोग खरीद रहे थे और कोई उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं ले रहा था। मैम बेसिकली तो ये वाइन्स वगैरह सारा कुछ मरी से आ रहा है, ये सारा कुछ जो भी लाहौर इस्लामाबाद पिंडी कराची सारी जगह पे सप्लाई आ रही है ना, वो आ रही है सारी मरी से,
क्योंकि मरी में इनका सारा जो है शराब खाना. असल में ये जो आपका ये जो कंपनी है ना जिसकी ये बिग एप्पल वगैरह मेरी ब्यूरो इनका ही बिजनेस है, ये ही प्रोवाइड करते हैं बेसिकली. तो वो इतनी बड़ी कंपनी है, आज तक किसी ने उसके ऊपर हाथ डालने की जरूरत नहीं की. यस मैम एग्जैक्टली. कॉमन स्टोर्स वगैरह में मिल रहे हैं ये जो डिफरेंट आपके क्लब हाउस की मेंबरशिप होती है, यहाँ पर तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो रखते हैं ब्रांड्स के. मैम देखो कि लोग खरीदते हैं तभी तो ये लोग ला रहे हैं ना. हम वही बात मार्केट में बेटा, अगर कंज्यूमर की डिमांड है तो चीज आएगी, कंज्यूमर डिमांड ना करे चीज नहीं आएगी. यस मैम, हम जैसे लोग ही हैं जो खरीद रहे हैं और पी रहे हैं, जब उनको ये चीज नॉर्मल लग रही है तो फिर हमारी बात करने से या बहस करने से इस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हमें से कोई उठ के अगर इस चीज के ऊपर एतराज करता भी है तो भी ये चीज बंद नहीं होगी क्योंकि ये मार्केट की मांग है. बिल्कुल. इवन मींस लाइक उस दिन ही मेरे अपने फ्रेंड्स में डिस्कशन हो रही थी, तो मेरे अपने फ्रेंड ने उठ के कहा है कि मतलब एक के सिगरेट के बारे में जिस तरह का कोई जिक्र नहीं है, सिगरेट तो हराम नहीं है, तो आप पे डिबेट भी नहीं कर सकते ऐसे लोगों से. यस मैम, क्योंकि हम लोगों का शहर इतना छोटा है जहाँ पर मैं रहती हूँ, बियर तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कॉमनली मिल जाती है. मिल रही है आजकल, मतलब मैं कह रही हूँ छोटी छोटी शॉप्स हैं जो जहाँ पे बच्चे कैंडीज खरीद रहे होते हैं उन्हीं शॉप्स में ये चीजें मिल रही हैं. हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना, जो चीज आपको नम कर दे वो नशा है, जो ना करे वो नशा नहीं है. खैर ये चीज ना पता नहीं लोगों के कॉन्सेप्ट खराब हो गए हैं बहुत ज्यादा. मैम इन माय लिमिटेड नॉलेज ये आप लोगों ने अब करना है, क्योंकि आप लोग की जनरेशन हमारे टाइम में ना तो इस तरह नहीं था. अभी जितनी यंग जनरेशन आ रही है, आप लोग आपसे छोटे जो आपके सिबलिंग्स होंगे, बच्चों के कॉन्सेप्ट ही खराब हो चुके हैं. बच्चों को ये चीजें बुरी नहीं लगती, उनको लगता है कि वो आजकल जो बड़ा वो वाना भी होने के चक्कर में ना लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. मैम ये एक ना बड़ा माफिया है, ठीक है, इनके साथ पार्टनरशिप्स बाहर के लोगों के साथ हैं जो कि बाद में केसेस वगैरह के लिए पैसे भी दे के छुड़वा लेते हैं. मैंने बहुत से केसेस देखे भी हैं अपनी लाइफ में कि वो बाहर से ही उनके जो पार्टनर होते हैं उनके साथ ही लाइक पैसे वगैरह भिजवा देते हैं और वो अच्छे से अच्छा वकील करवा के, और ये जितनी बड़ी कंपनीज का आप नाम ले लें ये छूट जाते हैं. इनसे मैम ना हुकूमत लड़ सकती है, ना हम जैसे लोग लड़ सकते हैं, सिर्फ हम लोग केस कर सकते हैं और केस भी वो वकील जज सारे बिक जाते हैं. मैम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा हमारे पॉलिटिशियन मिले हुए हैं और जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट खराब हो जाए ना वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते. फिर मैम गवर्नमेंट भी नहीं लड़ सकती है, गवर्नमेंट के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि वो लड़ सके. गवर्नमेंट खुद, आपने केस देखे होंगे, गवर्नमेंट खुद लेके फिर रही होती है ड्रग्स जहाज. यस मैम ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो खुद पी रहे होते हैं, उन्हें मतलब ये सारी रेड वाइन और ये जितने भी है मरी ब्यूरी और जितने भी है सारे पी रहे होते हैं. ये एक्सपेंसिव चीजें जो एनर्जी एनर्जी ड्रिंक्स आम मिल रहे हैं, जिस तरह ये रेड बुल हो गया, स्टिंग हो गया, ये छोटे बच्चों में बहुत कॉमन हुआ है आजकल. तो वही ना, तो काम ही यही है, जहां से ये चीजें आ रही हैं असल में ना हर चीज के पीछे साजिश होती है. तो ये सिर्फ हमारी यूथ को खराब ही करना है ना, मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बाहर के लोग, और हमारे अपने ही शामिल है उसमें. अब मैं आप लोग की अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं या फिर ले लूं मैं? मैम आप स्क्रीनशॉट ले लें. मैम जैसे भी करने की अभी टाइम है, अभी तो वैसे काफी टाइम है बाकी में. अब्दुल रहमान एब्सेंट है, प्रेजेंट है अब्दुल रहमान. आफिया फारूक, आफीफा सजाद, इमन नसीर प्रेजेंट मैम, आयजा हाशमी प्रेजेंट मैम, आयजा राशिद प्रेजेंट मैम, अमीरा इरफान
प्रेजेंट मैम. आमिना मुनीर प्रेजेंट मैम. आमना नाज प्रेजेंट मैम. अनम असलम प्रेजेंट. अनीला नासिर प्रेजेंट मैम. अक्तस इकबाल प्रेजेंट मैम. अक्सा जावेद प्रेजेंट मैम. ओके अरीबा आसिम प्रेजेंट. अरीज आसिफ प्रेजेंट मैम. अरीज रबानी प्रेजेंट मैम. अरूज गुल प्रेजेंट मैम. अतिया अशरफ प्रेजेंट मैम. अतिया कयूम. अवैस खान मैम. अतिया कयूम प्रेजेंट. अवैस खान. आयशा हसन. आयशा जमशेद प्रेजेंट मैम. आयशा मुगल प्रेजेंट मैम. आयशा रिजवान प्रेजेंट मैम. आयशा सुमैया प्रेजेंट मैम. इमान इकबाल प्रेजेंट मैम. अस्का तारिक प्रेजेंट. अस्का रहमान प्रेजेंट. बशायर अशरफ प्रेजेंट मैम. बीनिश इसहाक प्रेजेंट मैम. ईमान तौकीन प्रेजेंट मैम. इशत राजिया. ईमान अनवर प्रेजेंट. फैसल मंजूर. फैजान अकरम फातिमा अजहर प्रेजेंट. कृष्ण प्रेजेंट मैम. गुले लाला गुलशन सलीम प्रेजेंट मैम. हाफिजा लाइबा प्रेजेंट मैम. हाजरा तारिक प्रेजेंट मैम. हमना ताहिर. हंजला सलीम. हिना अब्बास प्रेजेंट मैम. हिना अरशद प्रेजेंट मैम. हिरा तबसुम प्रेजेंट मैम. हुमा इजाज प्रेजेंट मैम. हुमैरा सईद प्रेजेंट मैम. इकरा असगर प्रेजेंट. इकरा बशीर. इकरा कासिम प्रेजेंट मैम. इकरा रफीक प्रेजेंट. इस्मा प्रेजेंट मैम. इस्मा खालिद प्रेजेंट मैम. इसरा अहमद प्रेजेंट मैम. जवेरिया अतीक प्रेजेंट. कायनात रियाज प्रेजेंट मैम. खदीजा अकबर प्रेजेंट. कौनैन फातिमा प्रेजेंट मैम. लाइबा सरफराज प्रेजेंट मैम. महद महमूद प्रेजेंट मैम. माहम फातिमा प्रेजेंट मैम. महनूर खान प्रेजेंट मैम. मारूफ ताहिर प्रेजेंट. मैसरा जावेद प्रेजेंट मैम. मलका आलिया प्रेजेंट. मनाहिल काशिफ प्रेजेंट मैम. मरियम राशिद प्रेजेंट मैम. मरियम सैफ प्रेजेंट मिस. मरियम माजिद प्रेजेंट मैम. मरियम नाज प्रेजेंट. मुबीन तनवीर प्रेजेंट मैम. मोमिना आसिफ. मोहम्मद हामिद प्रेजेंट मैम. मोहम्मद शहबाज. मुनज़्ज़ा ज़हीर प्रेजेंट मैम. नबिया ताहिर. नेहा प्रेजेंट मैम. निम्रा नकवी प्रेजेंट. निम्रा शहजाद प्रेजेंट मैम. निम्रा से पहले प्रेजेंट किसने बोला है?
निम्रा शहजाद की होगी अटेंडेंस? यस मैम प्रेजेंट। नूर फातिमा? प्रेजेंट मैम। ओशीन साजिद? प्रेजेंट मैम। राजिया नईम? प्रेजेंट मैम। राबिया अली? प्रेजेंट। राबिया हबीब? प्रेजेंट मैम। राबिया सलमान? रगद अब्दुल रहमान? प्रेजेंट मैम। रामेश शौकत? यस मैम। रावान नदीम? प्रेजेंट। राजिया बतूल? प्रेजेंट मैम। रहमान तारिक? प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद? रिजवानुल हक? प्रेजेंट। सबा अरशद? प्रेजेंट मैम। सदफ अलियास? प्रेजेंट मैम। सायरा महबूब? प्रेजेंट मैम। समीरा? प्रेजेंट मैम। सना शहजादी? प्रेजेंट मैम। सारा अली? प्रेजेंट। सवेरा नासिर? प्रेजेंट मैम। शैला इकबाल? प्रेजेंट। सिद्रा अब्बास? सोबिया मंसूर? प्रेजेंट मैम। सोहा आमिर? प्रेजेंट। सैयदा बिस्मा? सैयदा दुआ? प्रेजेंट। सैयदा गनवा? मैम सिद्रा अब्बास प्रेजेंट मैम। सैयदा बिस्मा प्रेजेंट। सैयदा मोमिना? मैम सिद्रा अब्बास। मैम सैयदा बिस्मा प्रेजेंट। मोमिना अली? सैयदा मोमिना अली। सैयदा नूरुल आलम? तकीम हमीद? प्रेजेंट मैम। तहरीम? प्रेजेंट मैम। तहरीम इकराम? प्रेजेंट। तिरजा अनवर? प्रेजेंट मैम। अरूज अफजल? उश्ना नसर? उज्मा अनवर? प्रेजेंट मैम। वर्दा फातिमा? प्रेजेंट मैम। वर्दा मुस्तकीम? प्रेजेंट मैम। जैन इफ्तिखार? यस मैम। जैनब इमरान? प्रेजेंट मैम। जैनब महबूब? प्रेजेंट। जीनत अनवर? प्रेजेंट। जिया फातिमा? प्रेजेंट मैम। जोहा अहमद? प्रेजेंट मैम। मैम ईशा दुरानी? गुले लाला प्रेजेंट मैम। मैम ईशा दुरानी? वन बाय वन बेटा, वन बाय। एक्सक्यूज मी मैम। गुले लाला? जी बेटा। मैम ईशा दुरानी प्रेजेंट? बेटा लगा दिया। ओके मैम, थैंक यू। बेटा आप लोगों का कोई ग्रुप है? यस मैम। उसमें ये फैजान नाम का कोई बच्चा है? अगर तो उसमें ग्रुप में फैजान नाम का बच्चा है तो उसे बोल दे, रोज मुझे ईमेल कर रहा होता है, उसको मैं रोज यही कहती हूँ कि एलएमएस पे लिंक है, मैं ईमेल में लिंक नहीं भेजती और वो क्लास किस वजह से ज्वाइन नहीं करता। ठीक है? लग गई है किसकी? उष्णा नसार। उष्णा, ठीक है बेटा आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं।